हाय गाइस, आज मैं असुर सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है तो फिर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखा तो फिर सीजन 2 नहीं समझ पाएंगे। तो फिर हम लोग इस एपिसोड के शुरुआत में सीजन 1 की एक झलक देखते हैं, जहाँ अंत में CBI ऑफिसर रसूल शुभ से मिला हुआ पाया गया था, जिसके बाद उसने ऑफिसर लुरहर को मार डाला था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सीजन 1 के अंत में निखिल के फैसले के कारण उसकी बेटी रिया मारी गई थी। यहाँ से कहानी 16 साल पीछे जाता है और हम देखते हैं छोटे शुभ को, जो कि गंगा किनारे अपने 3 साथियों को महाभारत की बाद की कहानी सुनाता है। इसमें द्वारिका नगरी की कुछ लोगों को लूट लिया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस वक्त अर्जुन उन लोगों के साथ था और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी दिव्यास्त्र को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति चली गई थी और वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में ऋषि वेद व्यास ने उन्हें समझाया कि अर्जुन को दिव्यास्त्र महाभारत के लिए मिली थी और उस उद्देश्य के समाप्त होने के बाद उनका धरती में कोई भी काम नहीं है। फिर शुभ आगे बताता है कि वेद व्यास यही से अर्जुन को परलोक जाने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर शुभ के साथियों को ये कहानी बहुत ही अजीब लगता है। फिर शुभ उन लोगों को समझाता है कि हर एक इंसान उतने दिन तक जीवित रह सकता है जितने दिन तक उन लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। ऐसा कह के शुभ अपने एक साथी को बेरहमी से मार गिराता है। ये देख के शुभ के बाकी 2 साथी बहुत ही डर जाता है। फिर शुभ उनको बोलता है कि उन लोगों का मकसद अभी भी आगे बाकी है, तो फिर वो उन लोगों को अब नहीं मारेगा। फिर आगे हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे लोग देश भर के CBI और कोर्ट के खिलाफ दंगा कर रहे थे। उनका मानना है कि केसर भरद्वाज बेकसूर है और पुलिस को उनको रिहा कर देना चाहिए। कोर्ट के अंदर भी मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जहाँ पे जज CBI लीड ऑफिसर शशांक से धनंजय राजपूत को कोर्ट में हाजिर करने के लिए कहते हैं, जिसने कई सारे कानून को तोड़ के रखा हुआ था। ऑफिसर बताते हैं कि DG की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर अभी वो यहाँ पे नहीं आ सकता। वो जज से दरखास्त करते हैं कि केसर को बेल ना दिया जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही शातिर मुजरिम है। ऐसे में वो अगर बाहर आ जाए तो फिर वो मासूम लोगों को मैनिपुलेट करेगा और जनता और भी भड़क जाएगी। ज्यूडिशियरी से CBI को 7 दिन की मोहलत मिलती है, जिसके बाद केसर को बेल मिल जाएगी। जाते वक्त केसर ऑफिसर को कुछ अजीब बात कहता है कि वो अभी वहाँ पे है जहाँ पे उसे होना चाहिए, और ऑफिसर को आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, जब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और ऑब्वियसली ये बात CBI को परेशान कर देती है। फिर इसके अलावा देश भर में और एक बात गूंज रही थी कि निखिल ने 3 लोगों के जान बचाने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी थी। आगे हम DJ को देखते हैं, जो सब कुछ छोड़ के धर्मशाला में रहने लगा है। यहाँ DJ से बात करने एक बच्चा आता है, जो DJ से कहता है कि DJ को अपने बीते हुए कल को माफ़ करना होगा, वरना वो जिस शांति की तलाश में यहाँ पे आया है वो उसे कभी भी नहीं मिल सकेगा। DJ कहता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उसकी वजह से ही ख़राब हुआ है, तो वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ CBI दफ्तर में नुसरत को नैना का फ़ोन आता है, जो उसे निखिल के बारे में पूछती है। नुसरत बोलती है कि निखिल 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा है और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। नैना नुसरत को निखिल को इससे बात करने के लिए कहती है, ताकि वो डिवोर्स पेपर में साइन कर दे। यहाँ हमें पता चलता है कि रिया की मौत के बाद स्वाति का भी कोई भी अता पता नहीं है, जिसने रिया को जहर देके मारा था। फिर निखिल को दिखाता है, जो अपनी बेटी की मौत के बाद काफ़ी डिप्रेस्ड है। वो टेबलेट की मदद से जी रहा है, लेकिन आज भी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एंड मौके पर वहाँ पे नुसरत आ जाती है, जो उसे बचा लेती है। इधर CBI ऑफिस में ईशानी नाम की एक ऑफिसर ज्वाइन करती है, जो ऑफिसर लुलार के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। ईशानी टीम लीड को बताती है कि उसे रसूल पे शक है, क्योंकि लास्ट टाइम वही लुलार के साथ था। ये बातें ऑफिसर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो दावा करते हैं कि रसूल ने अपने बयान में जो भी कुछ कहा है वो सब सच है। ईशानी पॉइंट आउट करती है कि रसूल का पॉलीग्राफी टेस्ट और बयान कुछ ज़्यादा ही क्लियर आया था, जिसका मतलब है कि वो सब कुछ प्लान करके ही बयान दे रहा था। लेकिन ऑफिसर ईशानी को शुभ को ढूंढने में ध्यान देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी देश की सिक्योरिटी खतरे में है, क्योंकि शुभ बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रहा था। फिर हम नैना को देखते हैं, जिसको स्वाति का लोकेशन का पता चल जाता है। फिर वो इमीडिएटली DJ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है। फिर ईशानी नैना से स्वाति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन नैना उसे कुछ भी नहीं बताती। इधर DJ को वापस वही बच्चा मिलता है, जो उससे कहता है कि DJ अपने कल को छोड़ के नहीं, बल्कि उसको टाल के आया है।
और अगर वो शांति चाहता है तो फिर उसे अपना पास्ट सॉल्व करना होगा। ये सब सुन के डीजे अपना फोन ऑन करता है और नैना उसकी लोकेशन ट्रेस करके उससे मिलने आती है। नैना उसे कहती है कि उसे स्वाति का पता चल गया है। फिर डीजे उसे ये इन्फॉर्मेशन सीबीआई को बोलने के लिए बोलता है। डीजे अब इन सब में पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन अब नैना को सीबीआई पे भरोसा नहीं है, तो फिर वो चाहती है कि वो और डीजे मिलकर इस केस को अब सॉल्व करें। लेकिन डीजे जब नहीं मानता तो फिर नैना उसे भला बुरा कह के वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाता है कि निखिल को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें किसी जगह की कोऑर्डिनेट दिए गए थे। यहाँ से हम लोग समझ जाते हैं कि शुभ यानी असुर का खेल फिर से अब शुरू हो गया है। सीबीआई टीम को लोकेशन पे एक बॉडी मिलती है जिसको आइस में फ्रीज की गई और उसके चेहरे में असुर का मास्क लगा हुआ था, मीनिंग ये काम शुभ का है। निखिल को बॉडी के पास एक घड़ी मिलती है जिसमें आज की तारीख और घड़ी में 9:05 का टाइम दिया हुआ था, जो देख के सीबीआई टीम समझ जाते हैं कि आज रात 9 कुछ होने वाला है। लेकिन आखिर होगा क्या, ये जानने के लिए सीबीआई टीम जेल में जाते हैं केसर से मिलने। अब तक धमाके की बुलावा डीजे को भी आ चुका था, जहाँ पे कोई उसे उसकी बीवी की तस्वीर भिजवाता है जिसपे लिखा था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है और रात को उसे एक तोहफा मिलने वाला है। अब हमेशा की तरह केसर का सब कुछ मालूम था और वो निखिल से पूछता है कि उसे घड़ी मिली है या नहीं। निखिल और नुसरत केसर को शुभ के प्लान के बारे में पूछते हैं, लेकिन जवाब में केसर वो घड़ी तोड़ देता है जिसके अंदर रुद्राक्ष के एक छोटा सा टुकड़ा था। केसर निखिल से कहता है कि सब कुछ जान के भी वो लोग कुछ भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि शुभ ने भविष्य तय कर दिया था। रुद्राक्ष देख के निखिल को शुभ की और एक कहानी याद आती है जिसमें शुभ ने कहा था कि भगवान शिव ने अपने एक ही तीर से असुरों की बनाई हुई 3 को ध्वस्त कर दिया था। फिर बाद में उनको असुरों की पीड़ा महसूस हुई और उनकी ही आंखों से एक आंसू रुद्राक्ष बन के बह गया। ये जानकर निखिल अपने टीम के साथ शेयर करता है कि आज रात को शुभ एक ही साथ 3 पे वार करेगा। दूसरी तरफ हम रसूल को देखते हैं कि जो कि एक गुप्त टीम से सीक्रेटली कांटेक्ट करता है और उन्हें रात के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। आगे टीम को डेड बॉडी से और क्लू मिलता है जहां इस बॉडी के डेंटल इम्प्लांट्स में 3 की कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। ये कोऑर्डिनेट्स दिल्ली के एक अस्पताल और मुंबई के एक मॉल और बेंगलोर के एक घर के हैं। सीबीआई समझ जाते हैं कि शुभ इन्हीं 3 पे हमला करने वाला है। सीबीआई टीम इन प्लेसेस पे निकल जाते हैं, लेकिन अभी उन लोगों के लिए एग्जैक्ट टारगेट को खोज पाना बहुत ही मुश्किल था। निखिल रियलाइज करता है कि शुभ हमेशा के तरह अच्छे लोगों को मारने की कोशिश करेगा जो धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे। फिर रसूल को जल्द से जल्द उन लोगों का लिस्ट बना के लिए काम देता है जो इस वक्त इन लोकेशन में है और धनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे। रसूल कहता है कि ऐसे करीब 3,000 लोग हैं और इतनी जल्दी इन सब का लिस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसी दौरान रात के 9:05 हो जाते हैं और हम लोग पूरे देश के टीवी न्यूज चैनल पर हम असुर के मास्क के ऊपर एक आदमी को देखते हैं जिसको हम अनुमान लगाते हैं कि शुभ होगा। शुभ डायरेक्टली देश के लोगों से बातें करता है कि उन सब का नैतिकता और अच्छाई का जो भ्रम है उन सब से उन लोगों को आजाद करने आया है। वो कहता है कि अब से 3 बाद वो 3 लोगों को मारेगा जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो भगवान को ओपनली चैलेंज करता है और बोलता है कि भगवान भी उनको बचाने नहीं आएगा और लॉ एंड ऑर्डर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही नहीं, शुभ इन 3 लोगों को स्क्रीन में सामने लाता है और बोलता है कि अगले 3 में इन 3 के जान चले जाएंगे। इधर निखिल रसूल से लगातार बातें करता है और बोलता है कि लिस्ट निकालने के लिए, लेकिन रसूल बोलता है कि उसे अभी भी टाइम लगेगा। देखते ही देखते 3 बीत जाते हैं और इन 3 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। सीबीआई पुलिस कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। शुभ एक बार फिर से देश की सुरक्षा करने वाले लोगों का मजाक बनाता है और कहता है कि कलयुग में हर इंसान की जिंदगी कली के हाथ में है और ये 3 मौतें उसकी शक्ति का प्रदर्शन है। अंत में हम डीजे को देखते हैं जो ये पूरा किस्सा लाइव टीवी में देख रहा था और ये देख के लास्ट में फैसला करता है नैना के साथ जाने का। और इसी के साथ असुर 2 की पार्ट 1 खत्म हो जाती है।